वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के वरिष्ठ पदाधिकारी मनोज पांडे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हुई सभा में कांग्रेस प्रवेश कर लिया। मनोज के कांग्रेस प्रवेश करने से कांग्रेस जनों में हर्ष है। उन्हें सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। पूर्व पार्षद और जोन 3 के अध्यक्ष जनता कांग्रेस जोगी के वरिष्ठ पदाधिकारी मनोज पांडे ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गौरवपथ कैंप क्षेत्र में हुई सभा में मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया। इस दौरान मुख्य रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल और भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर उपस्थित थे। मनोज पांडे के साथ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के जनता कांग्रेस जोगी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस प्रवेश को लेकर मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बस अब आप लोग तो कई सालों से मुझे जानते हो, शुरू से कांग्रेसी हूँ मैं, बचपने से ही बहुत सारे पदों पर रहा हूँ कांग्रेस के। चूँकि अजीत जोगी जी के साथ कांग्रेस में कार्यकर्ता किसी न किसी नेता के साथ रहते हैं, तो मैं कांग्रेस में अजीत जोगी जी के साथ था। पार्टी बनाए तो मैं उनके साथ चले गया था, लेकिन उसके बाद से उनका देहांत भी हो गया और मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था कि मैं कांग्रेस में आऊं। भूपेश भैया जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एक मेरी सोच थी। और बाकी जितने भी यहाँ जो हमारे यहाँ भिलाई के जो विधायक हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, मुकेश चंद्राकर जी हैं, नीरज पाल जी हैं, संदीप निरंकारी जी, सुमित पवार जी, अतुल साहू जी, बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। सब मेरे व्यक्तिगत एक पहचान भी है, संबंध भी है। तो मैं इन लोगों से बोला, ख़ास तौर से विधायक जी से और जिलाध्यक्ष जी से, कि मैं कांग्रेस में प्रवेश होना चाहता हूँ। तो सभी लोगों ने CM साहब से बात करके मुझे कांग्रेस प्रवेश कराया। चूँकि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में आपके समर्थक हैं, तो उनका भी कांग्रेस प्रवेश करना है? हाँ, बहुत जल्द, धीरे धीरे, 10-5, 10-5, 20 करके जितने भी समर्थक हैं, अभी सबकी लिस्ट बन रही है, वो कांग्रेस प्रवेश करेंगे। गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में मनोज पांडे का जनाधार है। वे क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण को लेकर हमेशा सक्रिय रहे हैं। मनोज पांडे के कांग्रेस प्रवेश करने से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।